जो आज हम लोग का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक का नाम क्या है? डे बुक। डे बुक क्या होता है? डे बुक जो एवरी डे जो हम लोग बिजनेस में जो अपग्रेडेशन होता है, मतलब जो ट्रांजेक्शन होता है, रोज़ाना कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ, ये सारा अपग्रेडेशन जो है, तो इसके डे बुक के थ्रू हम लोग जो है अपना सारा बिजनेस का अपडेशन कर सकते हैं, क्या रिसीव हो रहा है, क्या पेमेंट हो रहा है और क्या अपने पास बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक हम लोग का है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डे बुक, पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद पहले यहाँ से पेज को थोड़ा हल्का जूम कर लेते हैं। यहाँ से जूम करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, डेज, डेट, पार्टिकुलर्स, रिसिप्ट मेथड, रिसिप्ट अमाउंट, ये हो गया हेडिंग हम लोग का, ठीक है, रिसिप्ट अमाउंट। अब उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ से सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, बोल्ड कर दिया, और यहाँ से सेंटर सेक्शन में आने के बाद इसको फिर फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर देंगे, ठीक है। ऑटो फिट करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से और दो लाइन, मतलब ये है एक लाइन है, इसके अलावा एक्स्ट्रा और एक लाइन सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके यहाँ से हम लोग जाएंगे टेबल में, टेबल में जाके यहाँ से लेंगे माई हेडर टेबल। लेने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से बैंडेड रो को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे वन बाई वन करके फॉर्मूला सेट करना है। सबसे पहले हम लोग को सीरियल नंबर का फॉर्मूला लगाना है, तो इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट, अगर सामने वाला सेल, सामने वाला सेल डैट मीन्स डेज वाले सेल हम लोग का खाली है तो ये भी खाली रहेगा, अदरवाइज यहाँ टाइप करेंगे रो, ब्रैकेट ओपन देंगे, वन कॉलन वन, डबल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे ये हम लोग फॉर्मूला टाइप करके हम लोग एंटर कर देंगे। अभी ये सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर करने के बाद अब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे डेज में। डेज में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेज में फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट, अगर सामने वाला सेल मतलब डेट वाला सेल हम लोग का खाली है तो खाली रहेगा, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट और फिर ब्रैकेट ओपन देकर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉमा और डबल कोट्स लगाकर फोर्थ टाइम डी दे देंगे यहाँ पे, मतलब डेज का नेम के लिए हम लोग को फोर्थ टाइम डी देना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा फॉर्मूला, ये हो गया डेज का फॉर्मूला, फिर शॉर्ट कर दिया। उसके बाद अब हम लोग को डेट पे कोई फॉर्मूला इनपुट नहीं करना है और पर्टिकुलर में भी कोई फॉर्मूला इनपुट नहीं करना है, लेकिन रिसिप्ट अमाउंट में हम लोग को क्या करना है, ये दो सेल को सिलेक्शन करना है, और दो सेल सिलेक्शन करने के बाद उसके बाद यहाँ से हम लोग को चले जाना है कहाँ पे, यहाँ से हम लोग को सीधे चले जाना है डेटा में। डेटा में जाके यहाँ से डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से हम लोग लेंगे लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जो जो हम लोग को यहाँ पे इनपुट करना है, जैसे कैश रखना है, कार्ड रखना है, जी पे रखना है और पेटीएम रखना है। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर दिया। ओके करने से क्या हुआ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ रिसिप्ट अमाउंट में अभी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके इसको मर्ज कर लेना, यहाँ से मर्ज सेल कर दो, मर्ज सेल करके साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर दो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 सिलेक्शन करने के बाद इसको मर्ज अक्रॉस कर देंगे,
मर्ज अक्रॉस करने के बाद यहाँ पे सपोज टाइप किया समरी, और यहाँ पे टाइप किया रिसिप्ट, रिसिप्ट मेथड, और यहाँ पे टाइप करेंगे अमाउंट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे तक का सिलेक्शन करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर देना। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, यहाँ से कलर चेंज कर दो, यहाँ से थोड़ा बोल्ड कर दो, और चाहो तो यहाँ से साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर दो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये दोनों को सिलेक्शन करके यहाँ से सेंटर सेक्शन में आ जाओ, यहाँ से बोल्ड करो। अब यहाँ पे इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दो, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो जो चीज़ वहाँ तुम लिए हो, कैश कार्ड जीपे और पेटीएम, वो ले लो। उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होगा, इक्वल्स टू सम, साथ में लगाएंगे इफ़, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन देंगे। सबसे पहले आ रहा रेंज, रेंज में हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट मेथड को सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, रिसिप्ट मेथड को सिलेक्शन कर दिया, फिर कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद फिर उसके बाद बोला क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे, रिसिप्ट मेथड के नीचे, फिर कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ से रिसिप्ट अमाउंट को सिलेक्शन कर देंगे, करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, हम लोग का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको पॉइंट पे जाके इसको ड्रैग कर देंगे, सबका आ गया। अभी यहाँ पे लिखना सम इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन कर दो, सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद रैप करेंगे, सेंटर करेंगे, साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, और यहाँ पे चाहे तो हम लोग एक कंपनी का नेम दे सकते हैं, जैसे सपोज़ हम यहाँ पे दे दिए नायाब, ऑल्ट और एंटर एक साथ प्रेस करेंगे, इन्फोटेक, ये कंपनी का नेम हमने दे दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना। ठीक है, फॉन्ट कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग, ये बन गया हम लोग का रिसिप्ट का, अब हम लोग बनाएंगे पेमेंट का। तो पेमेंट का बनाने के लिए कुछ ज़्यादा हम लोग को मेहनत नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना, देख लो वन और ए के बीच में एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूरा पेज सिलेक्शन हो जाएगा, यानी सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। फिर इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद अब शीट टू में आना, शीट टू में आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। तो रिसिप्ट वाला से, रिसिप्ट वाला जो चार्ट हम लोग बनाए उसको क्या किए, उसको यहाँ से जाके क्लिक किए और क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर दिए, मतलब सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर दिए और शीट टू में जाके उसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, जस्ट क्या चेंजिंग करना है, जहाँ जहाँ पे रिसिप्ट है, जहाँ जहाँ पे रिसिप्ट है वहाँ वहाँ पे हम लोग को जस्ट टाइप कर देना है पेमेंट। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी रिसिप्ट है वहाँ वहाँ पे पेमेंट टाइप कर देना है। पेमेंट ठीक है, रिसिप्ट भी हो गया, पेमेंट भी हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम लोग दो चार एंट्री पहले पास कर लेते हैं। ठीक है, दो चार एंट्री पास कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वालेकुम सलाम। ठीक है,
तो अभी पहला एंट्री हम लोग यहाँ पे करते हैं, सपोज़ यहाँ पे डेट बैठाया 1/1/2023, इस डेट में हम लोग का क्या रिसीव हो रहा है, सपोज़ कमीशन रिसीव हो रहा है, ठीक है, कैसे रिसीव हो रहा है, किस तरीके से रिसीव हो रहा है, किस क्राइटेरिया में रिसीव हो रहा है, कैश में रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है, 25,000। जैसे ही एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली देखो कैश के सामने हम लोग का 25,000 आ जाएगा। फिर उसके अगले दिन, जैसे पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर है, तो यहाँ पे पहले मंथ देंगे, मंथ क्या है इस कंप्यूटर में देख लेना पहले क्या है, तो ठीक है पहले हम लोग मंथ दिया, फिर डेट दिया, फिर ईयर बैठाया। देखो 2 तारीख को हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, कैसे रिसीव हो रहा है, सपोज़ हम लोग का ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो जीपे से रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है, 15,000 रिसीव हो रहा है। ये देखो अब जीपे के सामने 15,000 आ गया, टोटल अमाउंट भी यहाँ पे आता रहेगा, बात समझ में आई। तो ये हम लोग का कंडीशन हो गया, ये हम लोग रिसीव कर लिए कुछ अमाउंट को हम लोग अभी रिसीव कर लिए, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इसको, और अमाउंट ये यहाँ पे चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं, इसको रीनेम करके इसका नाम यहाँ से दे दिया रिसिप्ट, और इसको राइट क्लिक करके इसका रीनेम करेंगे, और रीनेम करके इसका नेम दे दिया पेमेंट, ठीक है। पेमेंट में भी कुछ एक दो एंट्री कर लेते हैं, जैसे 1 तारीख को मान लो हम लोग का 2023 को हम लोग का सैलरी पेमेंट हुआ, ठीक है, कैसे पेमेंट हुआ, सपोज़ ये हम लोग का कैश में ही पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, सपोज़ 10,000 पेमेंट हुआ। उसके बाद फिर 1/2/2023 को हम लोग का रेंट पेड हुआ, कैसे पेड हुआ, सपोज़ ये जीपे से पेड हुआ, कितना पेड हुआ, 15,000 पेड हुआ, ठीक है। अब ये दोनों का मिक्स जो है हम लोग एक जगह पे डे बुक वाइज देखना चाहते हैं, एक जगह पे रिसिप्ट हो रहा है और एक जगह पे पेमेंट हो रहा है। अब हम लोग इसको थर्ड वाले शीट में क्या करेंगे, इसको रीनेम कर लेंगे, और रीनेम करके इसका नेम दे देंगे डे बुक। डे बुक देने के बाद अब यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए, और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे सीरियल नंबर, उसके बाद देंगे सीरियल नंबर के बाद देंगे रिसिप्ट या सीरियल नंबर, उसके बाद डेट, उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, और बैलेंस ऑफ डे और बैलेंस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्शन कर लेंगे, साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से सेंटर कर देते हैं, और फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सीरियल नंबर 1 से लेके 1 ईयर तक का हम लोग को सेटिंग करना है। 1 ईयर तक का सेटिंग करना मतलब यहाँ पे 1 दिया 1 देने के बाद हम लोग को 365 तक जाना है, तो कर्सर को यहाँ रखेंगे और यहाँ से फील में जाएंगे, फील में जाकर सीरीज में जाएंगे, वालेकुम सलाम, यहाँ पे लेंगे कॉलम, और यहाँ पे लेंगे जैसे वैसे रहेगा, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 365, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से देखो कंट्रोल और डाउन एरो जब प्रेस करेंगे ना, 365 तक चला है 1 ईयर का। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेट इनपुट करते हैं 1/1/2023, ठीक है। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट को यहाँ से यहाँ पे कर्सर को रखे ना, थोड़ा डेट का फॉर्मेट को चेंज कर दो, डेट फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर देंगे, मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे
हाँ वालेकुम सलाम। उसके बाद यहाँ से डेट फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ से पूरा कंट्रोल डाउन एरो जब प्रेस करेंगे ना, पूरा लास्ट रिकॉर्ड तक हम लोग को दिखा देगा 1 ईयर तक का, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक का। अब रिसिप्ट का यहाँ पे वैल्यू मालूम करना है, इस डेट में हम लोग का रिसिप्ट का वैल्यू क्या था, रिसिप्ट मेथड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे। रिसिप्ट अमाउंट के लिए इक्वल्स टू सम और साथ में लगाएंगे इफ, फिर ब्रैकेट ओपन देंगे। ब्रैकेट ओपन देने के बाद हम लोग सीधे जिस चीज़ का निकाल रहे, किसका निकाल रहे हैं, रिसिप्ट अमाउंट का निकाल रहे हैं, तो रिसिप्ट में आ जाएंगे और रिसिप्ट के डेट को सिलेक्शन करेंगे। डेट का मतलब दोनों को सिलेक्शन कर लेंगे। करने के बाद फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अगेन डे बुक में आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया, यानी किसके बिहाफ में निकालना है, इस डेट के बिहाफ में निकालना है, फिर कॉमा देंगे। अब बोल रहा है सम रेंज, मतलब उसका सम रेंज मतलब उसका अमाउंट कहाँ पे है, उसी जगह पे है, रिसिप्ट में जाके उसके अमाउंट को यहाँ से सिलेक्शन कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। ये देखो अब यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे कॉमा में कन्वर्ट करके, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया पूरा। अब उसके बाद 2 दिन का दिखा रहा है, क्योंकि 2 ही दिन का हम लोग एंट्री किया था। अब हम लोग पेमेंट का निकालेंगे। पेमेंट का निकालने के लिए फिर उसी तरह से इक्वल्स टू सम साथ में लगाएंगे इफ, ब्रैकेट ओपन देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम टू सेम अभी पेमेंट में आ जाएंगे। पेमेंट में आके पेमेंट के डेट को सिलेक्शन करेंगे। डेट को सिलेक्शन करने के बाद फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद फिर उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद फिर से डे बुक में आ जाएंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया में यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा देंगे। अगेन पेमेंट में आने के बाद अब ये दोनों को फिर से सिलेक्शन कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसको भी चाहो तो यहाँ से कॉमा में कन्वर्ट कर दो। कॉमा में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे इस पे भी डबल क्लिक कर दो। अब बैलेंस ऑफ डे निकालने के लिए इक्वल्स टू देंगे और यहाँ रिसिप्ट से माइनस कर देंगे पेमेंट को, तो उस दिन का बैलेंस ऑफ डे निकल के आ जाएगा। डबल क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, इक्वल्स टू देंगे बैलेंस, सॉरी रिसिप्ट माइनस पेमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे एक काम हम लोग को करना है। क्या करना है हम लोग को, हम लोग को करना ये है, यहाँ पे इक्वल्स टू देना है और फर्स्ट डे यानी जिस डेट में हम लोग शॉप मान लो बिजनेस को स्टार्ट किए थे, उस डेट का जो बैलेंस बचा था उसको प्लस करेंगे अगले दिन, मतलब नेक्स्ट डे जब बिजनेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले पहले का जो बैलेंस है उसको और उस दिन का रिसिप्ट अमाउंट को दोनों को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे उस दिन का पेमेंट को। और जब एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे बैलेंस निकल के आ जाएगा। फिर डबल क्लिक कर लो। उसके बाद ये सब में आ गया। अभी ये तो एक छोटा सा ट्रेलर हुआ। अभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब जाके मान लो सपोज हम लोग 1/5/2023 को, 1/5/2023 को हम लोग फीस रिसीव कर रहे हैं। क्या रिसीव कर रहे हैं, फीस रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। फीस रिसीव कितना कर रहे हैं, फीस हम लोग रिसीव कर रहे हैं मान लो पेटीएम से सपोज 10,000 का। फिर उसके बाद 7 तारीख को हम लोग मान लो इलेक्ट्रिक बिल पेड कर रहे हैं, उसके किसके थ्रू कर रहे हैं, जिसके थ्रू भी कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। सपोज कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे 20,000 कर रहे हैं, एंटर किया। अब यहाँ पे डे बुक में जब आओगे, देखो डे बाय डे वो अपना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता चला जाएगा, ठीक है। डे बाय डे देखो यहाँ पे, और एक चीज़ नोटिस करना, जब इसका रूल्स क्या है कि जैसे अगर तुम पूरा पूरा सिलेक्शन करो, जैसे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करना और फिर एक बार डाउन एरो प्रेस करना, और इसको यहाँ से जाके एक काम कर लेना, यहाँ से मोड नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ से नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस को 0 कर दो, और यहाँ से ना नंबर में जाना और नंबर में जाके नेगेटिव नंबर को रेड कर देना और यहाँ से ओके कर देना। अब क्या होगा, जो नेगेटिव नंबर आएगा वहाँ पे उस दिन रेड हो जाएगा, ठीक है।
समझ गया है, जिस दिन बैलेंस तुम्हारा नेगेटिव होगा वहाँ पे उसको रेड कर देगा वो। तो ये 2 दिन का हुआ, अभी हम लोग का यहाँ पे 5,000 दिखा रहा है। मान लो सपोज ऐसा हुआ कि सडनली हम लोग का एक दस 2023 को सडनली जो है टेलीफोन बिल का अमाउंट बहुत ज़्यादा आ गया। सपोज़ यहाँ से कार्ड से या जीपे से या पेमेंट पेटीएम से अमाउंट सडनली क्या हुआ, 1 लाख रुपए आ गया। ठीक है, जब यहाँ डे बुक में जाएंगे ना, ये देखो यहाँ नेगेटिव ही नेगेटिव दिखा रहा, पूरा 95,000 का नेगेटिव हो गया। अब क्या किया, सडनली हमाद का 1/15/2023 को हमाद का एक लॉटरी लगा। ठीक है, वो लॉटरी का टिकट लिया था स्कूल के पास से। ठीक है, लिटिल स्टेप स्कूल के पास से एक तो लॉटरी का टिकट लिया था, और अचानक से उसका वो लॉटरी लग गया और जीपे से उसको 2 लाख रुपए मिल गया। अब जब हमाद अपना डे बुक देखेगा, बोले नहीं चलो ठीक है, फिर बैलेंस अवेलेबल हो गया। बात समझ में आई? मतलब इस तरह से हम लोग जो हर दिन अपडेट करते जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली पूरा साल का अपडेट होता रहेगा। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लो, अच्छा लगेगा देखने में। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो एक साथ प्रेस करके इसको ऑल बॉर्डर्स कर लो पहले, उसके बाद यहाँ से इसको हाईलाइट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं अपने हिसाब से, जैसा रखना है यहाँ पे रख लो इसको। रखने के बाद यहाँ से उसके बाद और एक काम हम लोग को इसमें करना बाकी है, वो क्या, हम लोग यहाँ पे ना चाहते हैं इतना स्क्रॉल कैसे करेंगे। अगर सपोज सडनली हमको 1 जनवरी से हम लोग का बिजनेस स्टार्ट हुआ, और 5 मई को हम लोग जो है करना क्या चाहते हैं, 5 मई का हम लोग को देखना है। सडनली बॉस बोला कि 5 मई को क्या हुआ था हमको देखो दिखाओ, तो अब यहाँ से क्या होगा, हम लोग को वन बाई वन करके स्क्रॉल करना पड़ेगा, जाके टाइम लगेगा ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट बना लेंगे। कैसा शॉर्टकट, वी लुकअप के जरिए एक शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। पहले फर्स्ट क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिलेक्शन किया और इसको ऑल बॉर्डर्स कर दिया, ऑल बॉर्डर्स कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी करने से पहले इसका एक नेम बना लो, किसका, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, इसको सिलेक्शन करके नेम बॉक्स में जाना और इसको डी बुक के नाम से एक बना लिया, डे बुक। अब यहाँ पे हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप। इससे पहले भी लुकअप का बता चुके हैं, वी लुकअप के बारे में बताए थे ना लास्ट डे। तो लुकअप वैल्यू में हम लोग को क्या देना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक तो करना है लेकिन साथ ही साथ F4 से लॉक भी कर देना है इसको। फिर कॉमा देंगे, उसके बाद इसका नाम क्या दिया, ये वाला पूरा एरिया का इसका नेम दिया डी बुक। ठीक है, फिर कॉमा दिया, उसके बाद हम लोग को क्या बोला, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग नहीं देंगे, यहाँ पे COL टाइप करेंगे और यहाँ से कॉलम सिलेक्शन करके टैब दबा देंगे, और उसके बाद ये और ये दोनों को सिलेक्शन करेंगे, और इनमें से एक जो है वो लॉक रहेगा और एक लॉक नहीं रहेगा। अब सवाल ये होता है कि एक लॉक रहेगा और एक लॉक क्यों नहीं रहेगा, ये माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डेट तो सब में यूज सेम रहेगा ना, डेट जो है वो सबके लिए यूज होगा, लेकिन ये वाला जो है D4, ये रिसिप्ट अमाउंट के लिए है, ये वाला में जब हम लोग खींच के लाएंगे तो ये तो इसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा। इसलिए एक को लॉक करेंगे फोर से और एक को लॉक नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देना और फिर कॉमा दे के 0 दे देना और ब्रैकेट फिर क्लोज कर दो, एंटर किया। यहाँ पे अभी शो कर रहा है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल क्यों शो कर रहा है, नॉट एप्लीकेबल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि नॉट एप्लीकेबल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई डेटा उसको नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि जब कुछ नहीं रहे तो यहाँ भी कुछ नहीं रहे, तो उसके लिए वही इफ एरर लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे और लास्ट में जाके यहाँ पे कॉमा डबल कोट्स फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसका एंटर करेंगे। ये देखो अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, फिर ये पॉइंट पे जाके इसको ड्रैग कर देना है,
ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी डेट हम लोग इनपुट करेंगे ना, जैसे मान लो हम लोग को 5/5/2023 का देखना है, तो उस दिन क्या हुआ था, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, उस दिन सिर्फ अमाउंट बैलेंस दिखा रहा है। हम लोग को सपोज देखना है 1/10/2023 का, देखो उस दिन सिर्फ पेमेंट हुआ था, रिसिप्ट नहीं हुआ था और बैलेंस में चल माइनस में चल रहा था, तब ना फिर उसके बाद 15 तारीख को लॉटरी लगा हमाद का, तो हमाद का क्या हुआ, बैलेंस जो है वो बढ़ गया। आया बात समझ में? तो ये हो गया हम लोग का डे बुक रिपोर्ट, जो हम लोग इस तरह से पूरा डे बुक को पूरा रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से आप लोग इसको यहाँ से मूव करके यहाँ ला के रख दो, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ये हो गया हम लोग का डे बुक रिपोर्ट। तो आज का टॉपिक था डे बुक रिपोर्ट, डेट्स ऑल।